70 सालों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन सिर्फ 40 साल की उम्र में ही इसके चोंच टेढ़े हो जाते हैं। इसके पंजों के नाखून जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ना तो ये उड़ने के लायक रहते हैं और ना ही शिकार करने के लायक। ऐसी हालत में बाज हार मानकर भूख से तड़प तड़प कर मर सकता है, लेकिन बाज हार नहीं मानता और वो अपनी चोंच को पत्थरों पर पटक पटक कर तोड़ देता है। ऐसा करने पर बाज का काफी खून बहता है, लेकिन ये हार नहीं मानता और अपने नाखूनों को पत्थरों से रगड़ रगड़ कर छोटा कर देता है। इसमें भी इसके बहुत खून निकलते हैं, लेकिन ये हार नहीं मानता और लगभग 6 महीने बाद उसके नए नाखून और नए चोंच आ जाते हैं और वो उस नाखून से अपने उस पंख को काट देता है जो उड़ने के लायक नहीं बचे थे। यहाँ भी बाज बहुत दर्द सहता है, लेकिन इतना दर्द सहने के बाद लगभग 7 से 8 महीने के बाद एक नए नाखून चोंच और नए पंजों के साथ बाज फिर से शिकार करना शुरू कर देता है। इस तरह 40 साल की उम्र में मरने की हालत पर भी बाज हार नहीं माना और वो 70 सालों तक जिंदा रहा।